हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल गुलाब स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक निप्पल में कितने बिट होते हैं? एक निप्पल में कितने बिट होते हैं? तो 4 बिट होते हैं। C++ क्या है? C++ क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्रिप में कितने कैरेक्टर होते हैं? मैग्नेटिक स्ट्रिप में कितने कैरेक्टर होते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, 60 होते हैं। चिप किस चीज़ का बना होता है? चिप किस चीज़ का बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिप जो होता है वह सिलिकॉन से बना होता है। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? तो इसका उत्तर है लेडी एडा अगस्ता, ठीक है। कंप्यूटर के मशीनी अंग को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मशीनी अंग को क्या कहते हैं? तो इसको पता होना चाहिए, इसका उत्तर है हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसको बग कहते हैं। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। माउस कंप्यूटर का कैसा उपकरण है? माउस जो है वो कंप्यूटर का कैसा उपकरण है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, इनपुट उपकरण है। माउस जो होता है वह इनपुट उपकरण है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का कैसा उपकरण है? मदरबोर्ड कंप्यूटर का कैसा उपकरण है? तो ये प्रोसेसिंग उपकरण है। मॉनिटर कंप्यूटर का कैसा उपकरण है? मॉनिटर कंप्यूटर का कैसा उपकरण है? तो मॉनिटर जो होता है वह आउटपुट उपकरण है। 1 MB में कितने KB होते हैं? 1 MB में कितने KB होते हैं? तो इसका उत्तर है 1024 KB। कंप्यूटर के डिजिटल आंकड़ों को कौन स्टोर करता है? कंप्यूटर के डिजिटल आंकड़ों को कौन स्टोर करता है? तो कौन स्टोर करता है, इसका उत्तर है मेमोरी। भारत का प्रथम कंप्यूटर युक्त डाकघर कहाँ था? भारत का प्रथम कंप्यूटर युक्त डाकघर कहाँ था? तो यह कहाँ था? नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में था। उसके बाद डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है? डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्या प्रयोग किया जाता है? फोटो डायोड, ठीक है, फोटो डायोड प्रयोग किया जाता है डिजिटल कैमरा में। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो द हिंदू, ठीक है, इसका उत्तर है द हिंदू। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली प्रथम राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है BJP, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? तो मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर एलन एम टूरिंग। आपका अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला एक संस्था है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो आप लोग का पता होना चाहिए, जो मोबाइल जो है उसका भारत में सर्वप्रथम सेवा का प्रारंभ जो है वह वर्ष 1995 में किया गया था, ठीक है दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कंप्यूटर का जो परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यदि यह वीडियो अच्छी लगी ही होगी तो इस वीडियो को शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।